एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नितेश श्रेया फैशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक है, आप दिवाली पे भी कर सकते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा हीवी मेकअप नहीं चाहते हैं वो करवा चौथ में भी कर सकते हैं ये मेकअप लुक, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, ग्लोई लग रहा है। सो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं मैंने ये मेकअप कैसे क्रिएट किया हुआ है। ये अच्छे से फेस क्लीन करने के बाद मैं सबसे पहले टोनर यूज कर रही हूँ, जो कि गुलाबरी का यूज करूँगी। ये अयूर का मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरा स्किन अभी सर्दियाँ भी थोड़ी बहुत आ गई हैं, और जो मेरा स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन है, तो जिसके वजह से मेरी स्किन खींचा खींचा सा लगता है, और इसलिए मैं ये मॉइस्चराइजर यूज करूँगी। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, अंडर 50 रुपीज़ में, सिर्फ 50 रुपीज़ का ही है, और ये बहुत अच्छा है। ये ऑल स्किन टाइप है, थोड़ा सा लेकर और अपने फेस पे अच्छे से। और जो भी आप प्रोडक्ट अपना फेस पे लगा रहे हैं उसको अपने नेक पे जरूर लगाएं, क्योंकि अगर फेस पे लगाएंगे नेक को छोड़ देंगे तो हमारा जो मेकअप होगा अनइवन दिखेगा, फेस साफ दिखेगा, मेकअप दिखेगा, और ये गर्दन थोड़ा सा डार्क दिखेगा। सो इसलिए जो भी प्रोडक्ट हम फेस पे लगाएं अपने नेक पे जरूर लगाएं। इसके बाद मैं मॉइस्चराइजर के बाद NYBA का प्राइमर यही यूज करूँगी, थोड़ा सा लेकर। बीच में जो साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में, थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और काम चल रहा है बगल में, तो इस वजह से शोर हो रहा था। ये बहुत ही अच्छा से मिक्स हो जाता है, और हमारा जो मेकअप होता है केकी भी नहीं दिखता है इसके वजह से। तो अब मैं अपना फाउंडेशन यूज करूँगी। अब फाउंडेशन लेने के बाद मैं अपने फिंगर के हेल्प से डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगा लूँगी, अंडर आइज, फॉरहेड, चीक वगैरह सब पे लगा लूँगी अच्छे से। उसके बाद से मैंने इसे बिना ब्यूटी ब्लेंडर के ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, और ये बहुत अच्छे से हो भी गया था ब्लेंड। सिर्फ फिंगर टिप के ही हेल्प से टैप टैप करके मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, और बहुत अच्छे से ये हो भी गया था इजली। और ये फाउंडेशन लाइट वेट है, डेली के लिए अच्छा है, और या हल्के कहीं पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं उसके लिए सही है, डे आउट के लिए भी सही है। लेकिन ये अगर हम फुल कवरेज के लिए चाहें, या तो ब्राइडल मेकअप या हेवी मेकअप करना हो, तो उसके लिए ये फाउंडेशन नहीं है। ये बहुत ही अच्छा ओलिविया का फाउंडेशन है, प्राइस भी इसका कम है, 120 का ही आता है बस, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो ओलिविया का। ओलिविया का पेन स्टिक भी आता है अलग अलग सेट्स में, हर सेट्स में 12 सेट साइज आते हैं इसके, और वो भी बहुत अच्छा से इजली ब्लेंड हो जाता है, और वो वाटर प्रूफ मेंशन करते हैं। एक्चुअली मेरा लिबाम ख़त्म हो गया, मैं निविया का लिबाम यूज़ करती हूँ, तो अभी मैं वैसलीन यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे कल शॉपिंग करने जाना है करवा चौथ के लिए। सो इसलिए तो अब मेरा फाउंडेशन भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया, तो मैं ओलिविया का ये पेन स्टिक है एज ए कंसीलर, मैं इसे जहाँ जहाँ मेरा अनइवन है, डार्क सर्कल्स है माउथ के अराउंड, वहाँ पर मैं पेन स्टिक यूज कर लूँगा। से ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको ये मेरा मेकअप कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जाके, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं, सो जल्दी जल्दी शेयर करें। अब मैं लैक्मे का रोज पाउडर से मैं थोड़ा फाउंडेशन को सेट कर लूंगी। कभी भी आप मेकअप सेट करें तो टैप टैप करके ही सेट करें, तो हमारा फाउंडेशन जो होता है अगर हम ऐसे करेंगे तो नीचे हो जाएगा,
अब मेरा पाउडर भी सेट। अब इसके बाद मैं अपना आई मेकअप करूंगी, आई शेडो लगाऊंगी, और आई शेडो मैं अपने फिंगर के टिप से ही यूज करूंगी, ब्रश को यूज नहीं करूंगी। और ये सबसे पहले मैंने लाइट शेड लेकर अपने आँखों पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसमें हुडा ब्यूटी न्यूड पैलेट से ही रेड कलर में है, थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश पे रेड ही है, तो उस रेड कलर को मैं अपने आईज पे लगाई हूँ, और उसके बाद से उसमें से गोल्डन कलर लेकर अपने आँखों के नीचे लिड पे लगा दिया है, और उंगली के हेल्प से भी देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। अब मैं आखिर में आईलाइनर लगा रही हूँ, और ये मैंने पतला ही ड्रॉ किया हुआ है, और इसके बाद से मैं लगाऊंगी मेरा ब्लू हेवन का मस्कारा। लगाने से पहले मैं अपने वाटर लाइन पे जो ऊपर आई शेडो लगाया था रेड कलर का, वो हल्का सा लेकर अपने नीचे वाटर लाइन पे भी लगा रही हूँ, और मैं मस्कारा लगाऊंगी। अगर पहले मस्कारा लगाती और उसको ऐसे स्मच करती तो वो पूरा फैल जाता। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है आप लोगों को तो एक लाइक जरूर करें, ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है, और कमेंट भी करें, ये भी बिल्कुल फ्री है, बस आपका 1 या 2 सेकंड लगेगा कमेंट करने में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये भी फ्री है, और साथ में घंटा भी बजा दें, ताकि मैं जो भी नए अब वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर अच्छी लगती है आपको ये मेरा वीडियो, तो अपने फ्रेंड फैमिली माँ बहन दोस्त सब में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये मेरा वीडियो पहुँचे, आपको भी हेल्प हो, मुझे भी हेल्प हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।